सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम की जा सके और भविष्य के किसी भी युद्ध को फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह उभरने से रोका जा सके। इसी उद्देश्य के साथ 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आता है, जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पांचों विजेता देश शामिल होते हैं, जिनमें अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और द रिपब्लिक ऑफ चाइना शामिल थे। इन पांचों देशों को खास प्रकार की शक्तियां दी गई थी, जिसका इस्तेमाल कर इनमें से कोई एक देश किसी भी रेजोल्यूशन को रुकवा सकता था, फिर चाहे बाकी के चारों देश उस रेजोल्यूशन के पक्ष में ही क्यों ना हो। इस खास ताकत को वीटो पावर कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इसमें शामिल सभी पांचों देशों ने अपने अपने फायदे के लिए कई बार किया। लेकिन 1945 के चाइनीज सिविल वॉर और फिर 1950 के कोरियन वॉर में कम्युनिस्टों की बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान हो चुका था, इसलिए अमेरिका अपने दो करीबी देश ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकालकर उसकी जगह भारत को शामिल करना चाहता था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ठुकरा देते हैं। इसके पांच साल बाद यही प्रपोजल 1955 में सोवियत यूनियन नेहरू को देता है, लेकिन इस बार भी यूएनएससी जैसी ताकतवर संस्था का सदस्य बनने का प्रस्ताव पंडित नेहरू अस्वीकार कर देते हैं। कहा जाता है कि दोनों ही बार नेहरू ने चाइना की दोस्ती के कारण ऐसा किया था, जिस वजह से भारत यूएनएससी जैसे पावरफुल और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बेहद ही अहम वीटो पावर को पाते पाते रह गया। चलिए जानते हैं कि क्या सच में पंडित नेहरू ने एक नहीं बल्कि दो दो बार यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, या फिर सालों से किया जा रहा ये दावा केवल नेहरू को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। भारत यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और 1942 में बने यूनाइटेड नेशन चार्टर में भारत के भी सिग्नेचर्स हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के समय चाइना में चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी और माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सत्ता को लेकर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यूएसएसआर के बाद दूसरे किसी कम्युनिस्ट शासित देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए इस समय ये सीट चियांग काई शेक के शासन वाली रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली। पर 1949 तक आते आते चाइना में कम्युनिस्टों की विजय ने चियांग काई शेक को ताइवान द्वीप पर भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे चीन की सत्ता माओ के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हाथों में आ गई, जिसके बाद चियांग काई शेक और माओ दोनों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को चीन का असली दावेदार होने का दावा किया। दोनों ही वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते थे। ऐसी हालत में यूनाइटेड नेशन के लिए भी मुश्किल होने लगी थी कि आखिर कौन चीन का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। भारत को आजाद हुए उस वक्त मात्र 2 साल ही हुए थे, इसलिए भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता था। यही वजह थी कि उस समय माओ के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली चाइना को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में भारत भी शामिल था। माओ के सत्ता में आने के 1 साल बाद ही चाइना और सोवियत यूनियन ने ईस्ट एशिया में कोरियन वॉर को हवा देते हुए नॉर्थ कोरिया का भरपूर समर्थन करना शुरू कर दिया। ये वॉर कोल्ड वॉर के अंतर्गत लड़ा जाने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण संघर्ष था। अमेरिका और सोवियत दोनों की मंशा एशिया पर अपना अपना इन्फ्लुएंस जमाने का था। उस समय अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाकर उसे आसानी से पास करवा लिया, क्योंकि उस समय यूएसएसआर सिक्योरिटी काउंसिल का बॉयकॉट कर रहा था, जिस वजह से वो इस रेजोल्यूशन को रोकने में अड़ंगा नहीं डाल पाया। पंडित नेहरू ने भी अमेरिका के इस रेजोल्यूशन को अपना समर्थन दिया था। अमेरिका को एशिया में एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उभरते कम्युनिस्ट चाइना को काउंटर कर सके। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया में यूएसएसआर के बाद चाइना एक मजबूत कम्युनिस्ट देश बनकर उभरे। ऐसे में उसकी मंशा हाल में ही अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए एशिया के एक और बड़े देश भारत पर थी। अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था और भारत भी उस समय डेमोक्रेटिक देश बनने की दहलीज पर था। ऐसे में अपने लिए बेहतर स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने कोई ऑफिशियल प्रपोजल रखने से पहले बड़ी चालाकी से नेहरू जी के पास अनऑफिशियल प्रपोजल भेजा। 24 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू को अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का एक पत्र मिला, जो कि उस समय अमेरिका में भारत की राजदूत थी। उन्होंने अपने भाई नेहरू को पत्र में लिखा कि अमेरिका रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करवाना चाहता है। दरअसल विजय लक्ष्मी पंडित के आगे ये प्रपोजल उस समय अमरीकी विदेश मंत्रालय के शांति वार्ता के प्रभारी जॉन फॉस्टर ड्यूलिस ने रखा था, जिसके जवाब में विजय लक्ष्मी पंडित ने इस मामले में अमेरिका को थोड़ा धीमा रुख अपनाने को कहा। दरअसल वो अपने भाई जवाहरलाल नेहरू के रुख से पूरी तरह अवगत थी, इसलिए उन्होंने उसी समय अमरीकियों से कहा कि भारत उनके इस प्रस्ताव को शायद ही स्वीकार करेगा।
उस समय जॉन फॉस्टर डलेस इस कदर एक्साइटेड थे कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक इन्फ्लुएंशियल कॉल्यूमिनिस्ट मार्क्विस चाइल्ड्स को पब्लिक ओपिनियन बनाने को कहा था। लेकिन विजय लक्ष्मी ने जो सोचा और कहा था आखिर वही हुआ। 30 अगस्त 1950 को अपनी बहन के पत्र के जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा कि वो चाइना की जगह इंडिया को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनाने के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से एक महान देश चाइना का सीधा सीधा अपमान होगा और चाइना के साथ भारत के रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि उनके इस रुख से अमेरिकी विदेश मंत्रालय जरूर नाराज होगा, परंतु वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने पड़ोसियों से रिश्ता खराब नहीं कर सकते। जहां जवाहरलाल नेहरू चाइना के कॉस्ट पर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं करना चाहते थे, तो वही उस समय यूएसएसआर करीब 8 महीनों से यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी दबदबे का विरोध करते हुए इसका बॉयकॉट कर रहा था, जिससे नेहरू को ये आशंका भी थी कि ऐसा करने पर यूएसएसआर यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकता है और इस तरह यूएसएसआर का यूएन से बाहर होना और चाइना की जगह पर भारत का यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना भारत को पड़ोसी देशों का दुश्मन बना सकता है। इसलिए नेहरू अपने फैसले पर डटे रहे और यूएनएससी सीट के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। नेहरू के इस जवाब के बाद कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाई और भारत के हाथ से यूएनएससी में शामिल होने का मौका जाता रहा। उसी साल 1950 में सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू का चीन की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए उससे सावधान रहने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के एक महीने पहले 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी में लिखा था कि भले ही भारत चीन को मित्र के तौर पर देखता है, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य है। पटेल ने यह भी लिखा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवाद और कूटनीतिक समझ के सामने पंडित नेहरू ने पटेल की सलाह को कोई खास अहमियत नहीं दी। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे शशि थरूर ने नेहरू पर अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में इस बात की चर्चा भी की है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। शशि थरूर के अनुसार भारतीय राजनयिकों ने ये फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। 1953 में अमेरिका ने साउथ एशिया के लिए मॉनरो डॉक्ट्रिन्स की परिकल्पना की थी, जिसके अनुसार अमेरिका इंडियन सबकॉन्टिनेंट से सोवियत यूनियन और चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे और अमेरिका के इस प्रयास को खारिज कर दिया था। उस समय कोरियन वॉर में चाइना नॉर्थ कोरिया को खुलकर सपोर्ट कर रहा था, जिस कारण अमेरिका और चीन के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी थी। अमेरिका किसी भी कीमत पर चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता था और भारत को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के समर्थक थे और दुनिया को जंग, आपसी नफरत, तनाव और भय से मुक्त देखना चाहते थे। जिस चाइना की दोस्ती के लिए भारत ने यूएन की मेंबरशिप को ठुकरा दिया था, वही चाइना हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन में जब भारत के कहने पर फ्रांस ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का प्रस्ताव रखा, तब भी इसी चाइना ने चौथी बार अड़ंगा डालते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत की इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद फिर से शशि थरूर की उसी किताब का हवाला देकर नेहरू को भाजपा नेताओं ने खूब कोसा। हालांकि विदेश नीति पर पकड़ रखने वाले कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नेहरू ने एशिया के देशों में एकजुटता लाने के लिए किया था, तो वही कुछ के अनुसार उन्होंने ऐसा चाइना के क्रूर शासक माओ ज़ेडोंग को खुश रखने के लिए किया था। भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे और भारत उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था। पंडित नेहरू को डर था कि यूएनएससी में चीन की जगह भारत के लेने पर कहीं चाइना भारत पर आक्रमण ना कर दे। 1950 के 5 साल बाद भारत को एक बार फिर यूएनएससी का मेंबर बनने का मौका मिलता है। 1955 में यूएसएसआर के प्रीमियर निकोलाय बुल्गानिन ने प्रधानमंत्री नेहरू को यूएनएससी के 6th परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर दिया। उस समय बुल्गानिन ने नेहरू को डायरेक्ट संदेश भेजते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले तनावों में कमी लाने के बारे में बातें कर रहे हैं और सुझाव देना चाहते हैं कि भारत को 6th सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है। नेहरू ने इस पर प्रतिक्रिया
देते हुए कहा कि शायद बुल्गेनिन भी जानते हैं कि अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स अभी भी चाइना की जगह पर भारत को यूएनएससी की सीट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने से हमारे और चीन के बीच गहरे मतभेद हो सकते हैं और हम इसके सरासर खिलाफ है। दरअसल उस समय नेहरू पूरी दुनिया में नॉन अलाइंड मूवमेंट और सोशलिज्म के बड़े प्रचारक थे और वो इस इमेज को खराब नहीं होने देना चाहते थे। ऐसा होने पर उन्हें लगता था कि भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है और इससे उन्हें खुद के आदर्शों के खिलाफ जाना पड़ेगा, जिससे वो दुनिया में विवाद का विषय बन सकते हैं। नेहरू के अनुसार यदि भारत को यूएनएससी में शामिल किया जाने पर विचार भी किया जाता तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती, जो उस समय करना संभव नहीं था। इसी तर्ज पर आगे नेहरू ने बुल्गेनिन से कहा कि हमारा मानना है कि ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि चीन के शामिल होने का मुद्दा हल ना हो जाए, और इसलिए हमें सबसे पहले चीन को प्रवेश दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नेहरू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि उनके हिसाब से भारत को यूएनएससी में शामिल कराने का ये उपयुक्त समय नहीं है। नेहरू द्वारा रिजेक्ट किए गए इस ऑफर पर बुल्गेनिन ने उन्हें इसके लिए और पुश करना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने नेहरू की राय को मानकर बात को आगे नहीं बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू के इस जवाब के बाद दूसरी बार भी भारत के हाथ से यूएनएससी के मेंबर बनने का मौका जाता रहा। इसके पीछे का कारण भी नेहरू का चीन के साथ अच्छा रिश्ता था। दरअसल 1949 में माओ के नेतृत्व में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद भारत सरकार ने चीन के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने का ऐलान किया था। आगे चलकर 1954 में चीन और भारत ने पंचशील अग्रीमेंट के तहत इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बरकरार रखने के लिए 5 सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया। भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया और 1904 की एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी के तहत तिब्बत के संबंध में भारत को मिले सभी अधिकारों को छोड़ दिया। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था, जिससे दोनों देशों की बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो सके। भारत चीन की दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सैन फ्रांसिस्को में आयोजित जापान के साथ हुए एक शांति संधि सम्मेलन में चीन को आमंत्रित नहीं किया गया तो नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन भारत यहां अपनी तरफ से चीन को दोस्त बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, तो वही चीन दोस्ती के नाम पर भारत की पीठ में खंजर घोंपने की फिराक में था। पंचशील अग्रीमेंट के 3 महीने बाद ही जुलाई 1954 में चीन ने भारत के 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को अपने मैप में दिखाया। हालांकि नेहरू ने इस पर अपना विरोध जताते हुए इस मैप में संशोधन के लिए चाइना को मेमो दिया, जिसे बड़ी चालाकी से चीन ने मैप में एरर बताकर बात को टाल दिया। पंचशील अग्रीमेंट के बाद नेहरू चीन को भारत का सबसे करीबी दोस्त मानने लगे थे। यही वजह थी कि जब यूएसएसआर ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में 6th मेंबर के रूप में शामिल करने की बात की तो नेहरू ने भारत से पहले चाइना को उसमें शामिल करने को कहा था। उस दौरान जहां पूरे भारत में नेहरू का यूएन की सीट को ठुकरा देने का मुद्दा गर्मा रहा था, तो वही 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जे एन पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य बनने के लिए उन्हें फॉर्मल या अनऑफिशियल रूप से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला। उनका कहना था कि कुछ भ्रामक संदर्भों का हवाला देकर उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी काउंसिल का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट देने की बात की गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। नेहरू ने आगे कहा कि उनकी घोषित नीति है कि यूनाइटेड नेशंस में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि नेहरू ने भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट के ऑफर वाली बात को पार्लियामेंट में खारिज तो कर दिया था, लेकिन भारत को ऐसा प्रपोजल मिला था, इसके आज कई वैलिड सोर्सेज मौजूद है, जिसमें नेहरू द्वारा विजय लक्ष्मी पंडित को लिखा गया पत्र नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। पंडित नेहरू यूएसएसआर और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में दोनों में से किसी के भी पक्ष में शामिल नहीं होना चाहते थे। इन सब में उनका तर्क था कि यदि भारत अमेरिका और यूएसएसआर के दिए ऑफर को एक्सेप्ट करता तो भारत को किसी एक गुट में शामिल हुआ माना जाता और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के चलते भारत दोनों में से एक महाशक्ति का दुश्मन बन सकता था, जो कि कुछ समय पहले ही आजाद हुए भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस समय भारत को अमेरिका और यूएसएसआर दोनों देशों से अपने विकास के लिए मदद की जरूरत थी। इसी कारण नेहरू नॉन अलाइंड मूवमेंट को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे थे और भारत को यूएस और सोवियत के बीच न्यूट्रल रखना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म के पक्के समर्थक थे, जबकि अमेरिका कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था। इसलिए उस समय नेहरू अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों का खुलकर विरोध भी करते थे। कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्होंने अमेरिका के यूएन वाले ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था और साथ ही उन्हें ऐसा करने से
से 1949 में की गई चाइना से नई नई दोस्ती भी रोक रही थी। 1954 के पंचशील अग्रीमेंट के बाद नेहरू को चीन की दोस्ती पर इस कदर भरोसा हो गया था कि वो चाहते थे कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत से पहले चीन को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसलिए जब दूसरी बार यूएसएसआर की तरफ से ऑफर आया तो नेहरू ने भारत को इसके लिए तैयार ना बताकर चाइना की पैरवी की थी। वक्त के साथ उन देशों की संख्या बढ़ती गई जिन्होंने माओ वाली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना शुरू कर दिया, जिससे वर्ल्ड लेवल पर ताइवान खुद में सिमटता चला गया। आखिरकार 25 अक्टूबर 1971 को ताइवान यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से अपनी सीट गवा बैठा और माओ की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान की जगह पर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दो दो बार यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबर बनने के प्रस्ताव को ठुकराना और चाइना की पैरवी करना भारत को बहुत भारी पड़ा। तब से लेकर अब तक चाइना ने कई बार भारत को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है और भारत के खिलाफ काम किया है। अमेरिकी ऑफर को ठुकराने के 12 साल बाद भी 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण करके नेहरू की दोस्ती पर भी पानी फेर दिया। 1962 की इंडो चाइना वॉर बस शुरुआत थी। उसके बाद से चीन ने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाया है, चाहे भारत की आधिकारिक जमीन को हड़पने की कोशिश हो या फिर यूएन में भारत के खिलाफ फैसले लेना हो। जिस चीन की भारत ने तरफदारी की थी वही चीन आज भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत ने यूएनएससी की सीट गंवाकर कितना बड़ा नुकसान किया इसकी और भी कई मिसालें हैं। जैसे 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत से गुस्साए अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ कई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी, हालांकि उसे यूएसएसआर ने वीटो का इस्तेमाल कर खारिज करवा दिया था। लेकिन अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होता तो वो खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था और कश्मीर जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को आसानी से घेर सकता था। नेहरू के दृष्टिकोण से भारत भले ही 1955 में इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार और हकदार भी है। आज के दिन भारत की इस दावेदारी को रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत के यूएनएससी का मेंबर बनने के विरोध में अगर कोई है तो वो चीन है, जिसकी पैरवी करते हुए भारत ने खुद को पीछे कर लिया था।